यह मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना घर घर के महिलाओं को सब इसके सामने चूल्हा प्रमुख प्रमुख सब फेल। चंपई शरण की अपनी इच्छा है, उनकी अपनी मनोकामना थी कि हम चल जाएं। चल इतिहास को देखिए, उसका अवलोकन कीजिए। माननीय गीता कोड़ा जी कांग्रेस में सांसद थी, वो छोड़ के चले गई, क्या हश्र हुआ। माननीय सीता सोरेन जी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ये जेएमएम छोड़ के चले गए, उनका क्या हुआ। खूंटी पहुंचे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष ने कांग्रेस व जेएमएम छोड़कर जाने वाले नेताओं पर साधा निशाना। दरअसल आज कांग्रेस पार्टी द्वारा खूंटी में संवाद आपके साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित अन्य नेता पहुंचे हुए थे। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड प्रदेश में कांग्रेस और जेएमएम पार्टी को छोड़कर जाने वाले नेताओं का हाल बुरा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पश्चिम सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद गीता कोड़ा पहले कांग्रेस में थी तो सांसद हुआ करती थी, लेकिन वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, अब वो आज कुछ भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने सीता सोरेन के बारे में भी कहा, सीता सोरेन जेएमएम में थी तब वो विधायक थी, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अब उन्होंने चंपई सोरेन के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन का इच्छा था कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाए, तो वो चले गए। आइए सुनाते हैं कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। कार्यक्रम था संवाद आपके साथ, तो हमारे बूथ लेवल के, मंडल लेवल के, प्रखंड लेवल के और जिला के विभिन्न अनुसंगिक जो इकाइयाँ हैं हमारे, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, आदिवासी कांग्रेस, ओबीसी कांग्रेस, तमाम लोगों के साथ एक संवाद कार्यक्रम था, जिसमें हमारे प्रदेश के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित नेता लोग, मजे मजाए अनुभवी लोग यहाँ पधारे हुए थे। किन बातों को लेकर के अच्छे हुए? हम लोगों की एक है बात, आगामी जिस तरह से भारी बहुमत से हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव जीता, आगामी विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम लोग जो पार्टी आलाकमान द्वारा जो प्रत्याशी दिए जाएंगे उसको भारी बहुमत से विजय श्री दिलाने का काम करेंगे। चंपई सोरेन की अपनी इच्छा है, उनकी अपनी मनोकामना थी कि हम चल जाएं, तो चल गए। क्या लग रहा है, गठबंधन को कुछ नुकसान होने जा रहा है? देखिए इसमें क्या फर्क होगा, आप विगत इतिहास को देखिए, उसका अवलोकन कीजिए। माननीय गीता कोड़ा जी कांग्रेस में सांसद थी, वो छोड़ के चले गई, क्या हश्र हुआ। माननीय सीता सोरेन जी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ये जेएमएम छोड़ के चले गए, उनका क्या हुआ। ये तो उदाहरण आपके सामने है। एक सवाल और है, खूंटी क्या कांग्रेस को मिलने जा रहा है खूंटी विधानसभा? वो गठबंधन तय करेगा, सीट शेयरिंग में हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को रखा जाएगा, आला कमान का निर्णय सर्वोपरि होगा। इस बार की कोल्हान क्षेत्र जो है वही झारखंड की राजनीति तय करेगी, क्या मानते हैं? एक एक क्षेत्र कोल्हान राज्य की राजनीति तय करता है, एक वोट से और एक व्यक्ति भी कभी मुख्यमंत्री बनता है ये इसी झारखंड में, इसलिए यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभी लोकप्रिय सरकार है, गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, आप देख रहे हैं ना कितना लोग, गांव-गांव में जाइए कितना लोगों में खुशी है, 200 यूनिट फ्री, 2 लाख रुपया का कृषि ऋण माफ, अबुआ आवास योजना, एक से एक माई यह मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना घर घर के महिलाओं को सब इसके सामने चूल्हा प्रमुख प्रमुख सब फेल। तो आपने सुना कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।